Hello everyone, we are starting with GST, the biggest taxation reform of our country post independence. Government has introduced GST by the saying that one nation, one tax, one market. Obviously the nation is one, country India. One tax, as because so many taxes subsumed into GST to emerge as one tax for all the goods and services. One market. Earlier, each state was a different market in India altogether because each state had different VAT laws. Now, since there will be one tax, that is GST, all across India, so India will emerge as one market. Right? So, what are the objectives of introducing GST? That country India will become one market, will have one tax across all India for all the goods and services. Obviously the rate would be different, right? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीएसटी को. जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया. जेनेसिस स्टैंड्स फॉर ओरिजिन. ओरिजिन ऑफ जीएसटी इन इंडिया. व्हाट डू यू थिंक, 1 जुलाई 2017 को अचानक से जीएसटी आपके सामने आके खड़ा हो गया? नहीं. पता है, ये एक डिकेड से भी लंबी प्रिपरेशन थी जो जीएसटी आपके सामने आया है. बहुत पहले से जीएसटी की हलचल मार्केट में चल रही थी, गवर्नमेंट इस पे प्रिपरेशन कर रही थी, और बहुत समय बाद जीएसटी आ पाया. जीएसटी क्यों नहीं आ पा रहा था, क्यों इतना समय लग गया जीएसटी को आने में, ये भी आपको अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा. जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया. It has now been more than a decade since the idea of National Goods and Service Tax GST was mooted by Calca Task Force in 2004. हमारी गवर्नमेंट ने 2004 में एक कमिटी का गठन किया था जिसका नाम था Calca Task Force, और इसको यह कहा गया था कि आप बताओ कि हमारे देश में जीएसटी का ढांचा कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा. मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, इनसे यह नहीं कहा गया था कि यह बताइए जीएसटी हमारे देश में लाया जाए कि नहीं, यानी गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड थी कि जीएसटी लाना है. 2004 में इस कमेटी का गठन तो इसलिए किया गया था कि यह बताओ जो जीएसटी आएगा हमारे देश में उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. मैं आपको बता दूं, ग्लोबली जीएसटी के तीन स्ट्रक्चर चल रहे हैं, तो इंडिया को भी डिसाइड करना था कि कैसा स्ट्रक्चर हमारे देश में हो. आपको पता है ग्लोबली कौन से स्ट्रक्चर चल रहे हैं जीएसटी के? एक तो है नेशनल लेवल जीएसटी, नेशनल जीएसटी. दूसरा है स्टेट जीएसटी, और तीसरा डुअल जीएसटी. नेशनल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड डुअल जीएसटी. नेशनल जीएसटी का मतलब जीएसटी की जो रेवेन्यू होगी ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, ये होता है नेशनल जीएसटी. स्टेट जीएसटी का मतलब ये होता है कि जीएसटी की जो रेवेन्यू हो जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, और डुअल जीएसटी का मतलब होता है कि जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट. Calca टास्क फोर्स ने क्या रिकमेंड किया था, मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट करता हूं. Calca टास्क फोर्स ने क्या रिकमेंड किया था, नेशनल जीएसटी, नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. लेकिन आपको पता है हमारे देश में अल्टीमेटली जीएसटी आया कौन सा? हमारे देश में जो जीएसटी आया सभी को पता है वो है डुअल जीएसटी. और अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में जीएसटी आने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि हमारे देश में फोकस किया जा रहा था कि नेशनल जीएसटी आए, सारी की सारी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाए, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि जीएसटी की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाए, क्योंकि इसके पहले वैट होता था और सीएसटी होता था. जब जीएसटी नहीं था तो गुड्स पे जो टैक्सेस लगते थे वो वैट और सीएसटी लगता था, जिसकी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलती थी.
तो भला स्टेट गवर्नमेंट इस रेवेन्यू को कैसे सेक्रीफाइस करे। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे देश में तकरीबन सभी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, सभी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। पता है स्टेट गवर्नमेंट के पास होती ही दो पावर है, सिर्फ दो पावर। क्या क्या? नंबर वन फिजिकल पावर एंड नंबर टू पुलिस। क्या होता है राज्य सरकार के पास? राज्य सरकार की अपनी पुलिस होती है और फिजिकल पावर होता है। जैसे आपने देखा भी होगा पुलिस कैसी होती है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राइट? वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है पुलिस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। और दूसरा फिजिकल पावर, दैट इज रेवेन्यू कलेक्शन पावर, रेवेन्यू कलेक्शन पावर। ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वैट की, सीएसटी की। अब एक बात बताइए, अगर जीएसटी आ जाए, नेशनल जीएसटी, तो यानी ये फिजिकल पावर तो चला गया स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो यानी क्या राज्य सरकार के पास बस पुलिस रह जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट मतलब सिर्फ पुलिस और कुछ नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, कह रही थी ऐसा जीएसटी तो हम अपने देश में आने ही नहीं देंगे जिससे हमारी फिजिकल पावर भी हाथ से निकल जाए। और ये जब बीजेपी गवर्नमेंट आई ना, तो इन्होंने डुअल जीएसटी मॉडल पे बात करना शुरू कर दिया, कहा कि हम अपने देश में डुअल जीएसटी लाएंगे जिसमें रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बट जाएगी। तब जाके कहीं राज्य सरकार तैयार हुई और जीएसटी हमारे देश में आ पाया, राइट? द टास्क फोर्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन नेशनल बेसिस। ये उनका रिकमेंडेशन था, हुआ नहीं ये। सब्सिक्वेंटली द देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, श्री पी चिदंबरम, जिन्होंने बजट प्रेजेंट करते समय 2007-08 का बजट प्रेजेंट करते समय, यानी कि फरवरी 2007 की बात हम कर रहे हैं, 2007-08 का बजट प्रेजेंट करते समय उन्होंने कहा कि जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाएगी हमारे देश में। बजट 2007 प्रेजेंट करते समय उन्होंने बोला कि 1-4-2010 को जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। हो पाई क्या? नहीं हो पाई। हुई कब? 1 जुलाई 2017 को। मैं आपको बताता हूं, जब 1-4-2010 को वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई, तो पी चिदंबरम जी ने एक डेट और दी कि इस दिन से हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देंगे। उस डेट को भी जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई। तो उसके बाद चिदंबरम साहब हमेशा हर बजट में पता है क्या कहने लग गए, जीएसटी विल सून बी इंट्रोड्यूस्ड, जीएसटी जल्द ही हमारे देश में आ जाएगा। उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि जीएसटी जल्द ही हमारे देश में आ जाएगा, उन्होंने डेट बोलना ही बंद कर दिया। हालांकि कांग्रेस के रिजीम में जीएसटी आ ही नहीं पाई, फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डुअल जीएसटी पे बात करना शुरू किया और जीएसटी हमारे देश में लागू हो गया। जीएसटी में सेवरल डेडलाइंस, बहुत सारी डेडलाइन चिदंबरम साहब ने दी, वो सभी डेडलाइन मिस हो गई। यू वेरी वेल नो दैट योर इनकम टैक्स पेपर कंप्राइजेस ऑफ सम एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑल्सो, एंड इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्वियसली बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें भी मुझे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? तो इन सब की भी तैयारी हम लोग कर लें। जीएसटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस इन 1954। यू हैव टू रिमेंबर बोथ द थिंग्स, दैट इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस एंड इन द ईयर 1954। And after that, it has been introduced in more than 160 countries. But मतलब इसका यह है कि before India could introduce GST, उसके पहले 160 देशों ने already GST introduce कर दिया था, right? अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि India को भी GST introduce करने की क्यों पड़ी थी, क्यों इतनी हड़बड़ी थी कि जल्दी से GST introduce किया जाए। हो नहीं पा रहा था वो एक अलग बात थी, लेकिन हमारा देश जीएसटी इंट्रोड्यूस करना चाहता था। इसके पीछे कारण यह है कि हमारा देश दुनिया नामी एक समाज में रहता है। जैसे हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, तो दुनिया भी एक समाज है जिसमें हमारा देश समझ लीजिए एक व्यक्ति है जो
जो समाज में, दुनिया रूपी समाज में रहता है। जो काम हर देश करता है ना, वो हमारे देश को भी करना पड़ता है। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? आपके माता पिता आपको ऐसे बोलते हैं कि बेटा ऐसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर नहीं करोगे तो समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, राइट? यू आर इवन वरीड अबाउट समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या बातें होने लग जाएंगी। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे देश को भी ध्यान रखना पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है। अगर दुनिया में कुछ हो रहा है तो हमारे साथ भी वैसे ही होना चाहिए। कुछ अलग करेंगे तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। हमारे देश को ऐसा फील हो रहा था कि दूसरे देश हमारे देश को देखेंगे तो ऐसे कहेंगे, ये देखो इंडिया, देखो ना इंडिया बिना जीएसटी वाला देश, कितना मजाक बनेगा हमारा। होता है कि नहीं ऐसा? एक बात बताइए, अगर आप अपने माता पिता से ये कहें कि हम पढ़ाई बंद कर रहे हैं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, अभी ये क्लास देखे, क्लास देखने के बाद ही तुरंत बोले मम्मी पापा सुनो मैं पढ़ाई बंद कर रहा हूं, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, क्या होगा? थप्पड़ पड़ेंगे, कहेंगे ये क्या मजाक है, नाक कटवाओगे क्या समाज में? सबको बता दिया है मेरा बेटा तो क्या कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, बड़ा साहब बनेगा, और तुम मेरी नाक कटाओगे, अब पढ़ाई नहीं करोगे। हो सकता है इस समय तो मान भी जाए, थप्पड़ ना भी पड़े क्योंकि आप बड़े हो गए हो, लेकिन जरा सोच के देखो, आप क्लास फोर में थे, ठीक है, नन्हे मुन्ने से, और उसी समय आपने मम्मी पापा को बोला मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई लिखाई बंद, मैं अपना स्पोर्ट्स में कैरियर बनाऊंगा, क्या होता उस समय? तो हो सकता है अच्छे से धुलाई हो जाती तुम्हारी, स्पोर्ट्स में कैरियर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई समाज क्या कहेगा, हर बच्चा पढ़ता है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो समाज मुझ पे हंसेगा। आपको पढ़ना ही पड़ता, लेकिन एक बात बताइए, क्या जरूरी है पढ़ाई करना? मैं तो कहता हूं इनफैक्ट स्पोर्ट्स में जो कैरियर है शायद पढ़ाई में है ही नहीं, है ही नहीं। यस, ये मेरा मानना है। अरे एमएस धोनी, विराट कोहली बन के तो देखो जीवन में क्या मजे, राइट? द फेम एंड मनी बोथ कम्स टुगेदर। तो इट्स नॉट दैट, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही प्रेशर हमारे देश पे था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग रहा था कि इतने सारे देशों में जीएसटी चल रही है, हमारे देश में नहीं चल रही है, तो ऐसा कैसे, मुझे भी जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट? वी गो बाय सोसाइटी, दिस इज ऑल। क्या आपको पता है कि हमारे देश में भी इनकम टैक्स एबॉलिश करने के लिए खुद बीजेपी के एक लीडर रिकमेंड करते हैं? यस, बीजेपी के ही एक लीडर है जो कहते हैं इनकम टैक्स एबॉलिश कर दो, बंद कर दो देश में, बेकार का इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरिजन में जो रेवेन्यू कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस की है वो 50% है, लेकिन जो कलेक्शन का खर्चा है डायरेक्ट टैक्सेस का वो अधिक है। उनका कहना है जितना कंसंट्रेशन ऑफ फोकस हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस की रेवेन्यू कलेक्शन पे करते हैं, अगर वो कंसंट्रेशन फोकस हटा दें और उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगा दें तो रेवेन्यू और मैक्सिमाइज कर जाएगी और ब्लैक मनी व्हाइट मनी का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। एक बात बताइए, इनकम टैक्स की वजह से ही तो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी होती है ना? या सोचो इनकम टैक्स बंद हो जाए तो कोई ब्लैक और व्हाइट होगा? नहीं। अरे भाई टैक्स नहीं दिया तो वही ब्लैक हो जाता है ना, अगर टैक्स ही खत्म हो जाए तो सारा का सारा व्हाइट है, तो पंगा भी खत्म ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का। लेकिन पता है हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? हमारी गवर्नमेंट कहती है, मोदी जी भी तैयार है, सुब्रमण्यम स्वामी ये रिकमेंड करते हैं, मैं आपको नाम भी बता देता हूं उस मिनिस्टर का, और मोदी जी कर भी सकते हैं, लेकिन वो पता है क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहते हैं कोई डेवलप्ड नेशन पहले ये करे, तो कोई डेवलप्ड नेशन पहले इनकम टैक्स बंद करे अपने आप, कोई देश बंद करे, हम उसको वॉच करें 2-3 साल उनकी इकोनॉमी पे क्या असर आया, फिर हम लोग अपने यहां करेंगे। ऐसे कैसे कर दे, ऐसे कैसे कर दे, समाज में अभी कोई ऐसा कर ही नहीं रहा, हम कैसे कर दे? सो इट्स ऑल दैट। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन हैव इंट्रोड्यूस्ड नेशनल लेवल जीएसटी लेवी बाय सेंटर और ड्यूअल जीएसटी साइमल्टेनियस लेवी बाय सेंटर एंड स्टेट।
तो ये बता रहा है कि हर देश ने अपने अपने हिसाब से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया है। ज्यादातर देशों ने नेशनल लेवल जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है, कुछ देशों में डुअल जीएसटी भी अडॉप्ट हुआ है। ठीक है, इंडिया ने डुअल जीएसटी अडॉप्ट किया है, और डुअल जीएसटी हमारे अलावा किसने और अडॉप्ट किया है याद कर लीजिएगा, कनाडा एंड ब्राजील। नाउ पावर टू टैक्स जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का संविधान है वो सबसे ऊपर है। अगर संविधान में किसी कानून के लिए अगर जगह नहीं है तो वो कानून नल एंड वॉइड है, वो कानून है ही नहीं, ऐसा मान लो। एक बात बताइए, अगर हम संविधान में जीएसटी जैसा कानून हमारे देश में चलेगा और वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा ये ना लिखे, तो क्या जीएसटी जैसा कानून मान्य है? नहीं, संविधान में लिखना पड़ेगा। पता है हमारे देश में इनकम टैक्स का कानून है क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है कि हमारे देश में इनकम टैक्स का कानून हो सकता है। हमारे देश में जीएसटी का कानून है क्यों? क्योंकि संविधान में लिख दिया गया। तो संविधान में जीएसटी कानून लिखने के लिए संशोधन करना पड़ा होगा, अमेंडमेंट करना पड़ा होगा। पता है ये अमेंडमेंट का नंबर कौन सा था? मतलब ये कौन से नंबर पे अमेंडमेंट हुआ? हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं संविधान में। हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, और तब से लेके जीएसटी, जीएसटी को अमेंड करने, जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट करने से पहले 100 बार हमारा संविधान पहले ही बदल चुका था। जीएसटी हमारे देश में लाया जाएगा ये भी तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना था। ये जो अमेंडमेंट था वो 101वां अमेंडमेंट था। आप समझे, जीएसटी की वजह से भी संविधान को बदलना पड़ा। तो ये जो बदलाव किया गया ये कौन सा बदलाव था? 101वां बदलाव। कितना शुभ शुभ बदलाव था, 101वां बदलाव। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016, 101वां अमेंडमेंट किया था जीएसटी को डालने के लिए। एज नोटिफाइड ऑन 8 सितंबर 2016 पेव द वे फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। और हमने कैसे किया जीएसटी को इंट्रोड्यूस? एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 246A। वी इंट्रोड्यूस वन न्यू आर्टिकल, आर्टिकल 246A। नाउ यू विल आस्क मी सर, व्हाई डिड वी इंट्रोड्यूस अ न्यू आर्टिकल? जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल थे उससे में, उसके तहत क्या जीएसटी हम लोग नहीं ला सकते थे? तो आई टेल यू, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 246, इसका 7th शेड्यूल जो है इसमें तीन लिस्ट प्रिस्क्राइब्ड है, लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री। लिस्ट वन में जितने भी टैक्सेस के नाम लिखे हैं इसकी रेवेन्यू पता है किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लिस्ट टू में जितने भी टैक्सेस लिखे हैं इसकी रेवेन्यू किसकी किसको जाती है? स्टेट गवर्नमेंट को। और लिस्ट थ्री में जितने भी टैक्सेस के नाम लिखे हैं उसकी रेवेन्यू जाती है ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इसका क्या मतलब है? जैसे एक रेवेन्यू का नाम इस लिस्ट में लिखा हुआ है स्टैंप ड्यूटी, तो स्टैंप ड्यूटी की कलेक्शन तो बहुत सारे सोर्सेस से होती है। एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे तो भी स्टैंप पेपर लगेगा, जमीन की मकान की रजिस्ट्री कराएंगे तो भी स्टैंप पेपर लगेगा, बहुत सारी जगह पे स्टैंप पेपर लगता है। तो स्टैंप पेपर की जो रेवेन्यू है वो कब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, कब स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, वो स्पेसिफाइड है। मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर स्टैंप ड्यूटी ए सोर्स से आ रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन अगर वो बी सोर्स से आ रही है स्टैंप ड्यूटी तो वो स्टेट गवर्नमेंट की है। यानी अगर मैं स्टैंप ड्यूटी पे करता हूं, स्टैंप पेपर खरीदता हूं, तो वो पैसा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट को गया होगा, एज डिसाइडेड अमंग देम कि भाई कौन से सोर्स का किसको जाता है। लेकिन जीएसटी हमारे देश में एक ऐसा कानून आ रहा था जो इन सब से अलग था, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री से अलग था। कैसे अलग था? जीएसटी एक ऐसा रेवेन्यू है
जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा? नहीं। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? नहीं। वो पता है किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा साइमल्टेनियसली। अगर मैं जीएसटी की रेवेन्यू दूंगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाएगा आधा आधा। तो ऑल टुगेदर हमारे संविधान में ऐसा कोई टैक्सेस था ही नहीं। एक नया आर्टिकल इसके लिए क्रिएट करना पड़ा और वो आर्टिकल क्या है? 246A। आर्टिकल 246A, दो क्लॉज इंसर्ट करने पड़े, आर्टिकल 246A क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 246A क्लॉज 2। आइए जानते हैं इन क्लॉज के बारे में क्या लिखा है इसमें। क्लॉज 1 में देखिए, ये क्लॉज 1 है आर्टिकल 246A क्लॉज 1। पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट have power to make laws with respect to goods and services imposed by the union or by such state। कहता है पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। पार्लियामेंट जहां पे एमपीज होते हैं और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट जहां पे एमएलएज होते हैं, राइट। पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठी है और लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठा हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, पार्लियामेंट के पास भी पावर होगा और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट के पास भी पावर होगा टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंपोज बाय यूनियन और बाय द स्टेट। अब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। क्लॉज 2 पढ़ने के बाद हमें क्लॉज 1 समझ में आएगा। क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। अगर इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स है तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास कहता है एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होगी लॉ बनाने की इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स की। तो फिर यहां पे दोनों को पावर दिया जा रहा है, ये किसके लिए दिया जा रहा होगा? इंट्रा स्टेट के लिए। ऑब्वियसली दिस इज पावर फॉर इंट्रा स्टेट। तो अब कुल मिला के हम समझते हैं अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड होगा तो उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। बट इफ इट इज रिलेटिंग टू इंटर स्टेट देन हु विल हैव द पावर? द पार्लियामेंट विल हैव पावर टू मेक लॉस। क्लियर है आपको यहां तक की बात? एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो जीएसटी का दायरा कहां तक है? क्या ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्टेड स्टेट में लागू हुआ है, ये देखना है। और कमेंसमेंट कब शुरू हुआ? तो जीएसटी एक ऐसा लॉ है जो पूरे देश में लागू है। हालांकि आज आर्टिकल 370 हट जाने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में जो भी लॉज एप्लीकेबल नहीं थे वो भी अब एप्लीकेबल हो गए हैं, राइट। लेकिन जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था और 6-7 दिन बाद ही जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया था, ठीक है। तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द इंटायर इंडिया। इट हैज कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। हाउएवर डिफरेंट डेट्स हैव बीन अपॉइंटेड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। हालांकि 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया तो जीएसटी के जितने भी प्रोविजन थे उन्हें लागू नहीं किया गया। पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कि सारे प्रोविजंस को एक दिन में लागू कर दिया जाए। पब्लिक कंप्लाई ही नहीं कर पाती। देखिए कोई भी नया कानून है तो धीरे धीरे उसका बोझ डालना होगा। वो कानून सरल है कठिन है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम यूज्ड टू हैं कि नहीं है ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है अगर मुझे रोज पथरीले रास्ते पे बाइक चलाने की आदत है, ठीक है, जो जिस रास्ते पे मैं रोज ट्रेवल करता हूं वो बड़ा ही पथरीला टाइप का है, उबड़ खाबड़ रोड है, लेकिन मेरी आदत हो गई है। पिछले 10 सालों से उसी रास्ते पे तो बाइक चला रहे हैं इसलिए आदत हो गई है। किसी दिन गवर्नमेंट ने उसको एकदम चिकनी रोड बना दी, एकदम प्लेन रोड। पता है अब क्या होता है? रोज 2 बार गिर जाते हैं रोड पे, राइट। और अब मेरा ओपिनियन सुनिए, मेरा ओपिनियन,
मुझसे पूछा जा रहा है कि आपको कैसा लग रहा है देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, रोड चौड़ी चौड़ी प्लेन रोड बनाई जा रही है, हम कह रहे हैं बड़ी बेकार है, बड़ी सरकौआ बना दी गई है, गिर जाते हैं तो बड़ा खराब कर दिया सब, पता नहीं कब वापस से इसको तोड़ फोड़ के सब सही करेंगे जैसे पहले था, उबड़ खाबड़। द थिंग इज दिस, अच्छा तो है ये जो नया प्लेन रोड बनाए, लेकिन आई एम नॉट यूज्ड टू इट, मुझे आदत नहीं है। वो जो पथरीली वाली रोड थी ना, डगमग डगमग चलते थे, वो उस पे मैं सेट हो गया हूं, मैं यूज्ड टू हूं, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा उस पे चलने का। जरा सोच के देखिए, जीएसटी कितने सारे कानून को हटा कर लाया गया है, वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सब हटा के एक कानून ला रहे हैं, और भी बहुत कुछ है, तो कंप्लायंस तो कम हुई होगी ना, कानून की कंप्लायंसेस आसान हुई होंगी ना, लेकिन फिर भी लोगों को दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे प्रोविजन को एक दिन ही लागू नहीं किया, कहा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया है, हर प्रोविजन की डेट कुछ कुछ दिन बाद से एप्लीकेबल होगी। और मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी प्रोविजन हैं जो आज तक लागू नहीं हुए हैं। हाँ, इतना समय हो गया जीएसटी को लागू हुए, लेकिन कुछ प्रोविजन आज भी लागू नहीं हो पाए। हालांकि गवर्नमेंट को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा खिंच जाएगा प्रोविजन को लागू करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी तक बैलेंस ही नहीं हुई है, लोग स्टेबल हुए ही नहीं है, अभी तो रिटर्न लोग समय पे नहीं जमा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहां से कंप्लाई कराएगी पूरे कानून को, राइट? नाउ इंडिया इज अ समेशन ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज। देखिए, हमारे देश में कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, और यूनियन टेरिटरीज भी 2 प्रकार की है। एक वो यूनियन टेरिटरी है जो कि जिसका अपना लेजिस्लेचर है, जहां पे अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। और कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी होती हैं जहां का अपना लेजिस्लेचर नहीं होता, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। उस यूनियन टेरिटरी को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे देश में 3 तरीके की टेरिटरी हो गई, ऐसे समझ लीजिए। एक तो स्टेट हो गया, दूसरा वो यूनियन टेरिटरी जो जिसका अपना लेजिस्लेचर है, जिसके अपने चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, और तीसरा वो यूनियन टेरिटरी जिसको कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया क्या आप बता पाएंगे कि हमारे देश में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी है? हमारे देश में 28 स्टेट है, ठीक है, 28 स्टेट। यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी है 8, लेकिन ये 2 प्रकार की है, तो दोनों प्रकार डिवाइड कर दे इसमें से। आठ में से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका अपना लेजिस्लेचर है, ठीक है, यहां पे इलेक्शंस होते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका नो लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर लिख देते हैं, विदाउट लेजिस्लेचर, दे आर विदाउट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स दे डू नॉट गेट इलेक्शंस डन, दे डू नॉट हैव चीफ मिनिस्टर, कंट्रोल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं इसकी, कौन कौन से हैं, ये मैं नाम अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है, नाम बताता हूं आपको सारे स्टेट के, यूटी के, सबके नाम बताऊंगा। ये जो 3 यूनियन टेरिटरी है जिसके अपने लेजिस्लेचर हैं, जीएसटी में इनको स्टेट का दर्जा दिया गया है, इनको स्टेट माना गया है जीएसटी में। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, ये जो 3 है ना विथ लेजिस्लेचर, इनको जीएसटी में स्टेट का दर्जा मिला है, ये स्टेट माने गए हैं। और जहां भी जीएसटी में आप स्टेट पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा वो इस 28 स्टेट की भी बात कर रहा है और ये 3 यूटी की भी बात कर रहा है। जीएसटी के कानून के हिसाब से
टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए? 31, 31 स्टेट, क्योंकि इनको भी स्टेट का दर्जा दिया गया है। और यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? यूनियन टेरिटरी हो गई 5। तो हम लिखेंगे 31 स्टेट एंड 5 यूटी। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, कि तीन यूनियन टेरिटरी को भी स्टेट का दर्जा मिल गया है। इसलिए जीएसटी में जब भी स्टेट बोलेंगे तो आप 28 स्टेट मत बोलना, 31 स्टेट बोलना। और यूनियन टेरिटरी कितनी? 5। राइट, मैं अब आपको नाम भी दिखा दूं, इसके नाम देख लीजिए, टेरिटरीज ऑफ इंडिया। पहले यूटी विथ लेजिस्लेचर, यूटी विथ लेजिस्लेचर कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, पांडिचेरी का नाम चेंज हो गया है, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है कि नहीं ये बात? पहले कितने स्टेट थे? पहले कितने स्टेट थे? 29 स्टेट था। यूनियन टेरिटरी कितनी थी पहले? 7। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा तो मैं उनको बता दूं, पहले हमारे देश में 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट खत्म हो गया, ठीक है, तो -1। और जम्मू एंड कश्मीर बन गया 2 यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम क्या है? एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई और 2 यूनियन टेरिटरी मर्ज होकर 1 बन गई। 2 यूनियन टेरिटरी मर्ज होकर 1 बन गई, कौन सी? दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव, ये मिलकर 1 यूनियन टेरिटरी बन गई। तो 1 माइनस भी हो गई, तो स्टेट में से 1 कम किया जम्मू एंड कश्मीर का, 2 यूटी बढ़ गई जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, वो 2 बढ़ा दिया और 2 यूनियन टेरिटरी मर्ज होकर 1 बन गई, उसलिए माइनस भी कर दिया, ठीक है। आइए देखिए यहां पे, तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये विथ लेजिस्लेचर है, विदाउट लेजिस्लेचर वाले अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब नाम बहुत लंबा हो गया, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, 3 बार तो एंड लग गया इसमें, ठीक है, 3 बार तो एंड आ गया। लक्षद्वीप, लद्दाख, और उसके बाद ये देख लीजिए 28 स्टेट। आई होप इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, 28 स्टेट, राइट। चलिए, गवर्नमेंट ने कहा कि हम वन नेशन वन टैक्स बना रहे हैं। अगर ये एक टैक्स है तो कानून भी एक है क्या? तो चलिए मैं आपको बताऊं, हमारे देश में 35 जीएसटी का कानून है, 35 कानून हमारे देश में। ओ माय गॉड, सरकार तो कह रही थी एक देश एक जीएसटी, एक टैक्स लगेगा। टैक्स तो एक है जीएसटी, लेकिन कानून इतने सारे कैसे बन गए? चलिए देखिए कैसे कानून इतने सारे बन गए। एक तो है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, शॉर्ट में कह लीजिए सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, जो पूरे देश में लागू होगा। सीजीएसटी एक्ट जो पूरे देश में लागू है, एक कानून है ये। हर स्टेट का अपना अपना स्टेट जीएसटी एक्ट है। और स्टेट कितने हैं? जब भी हम बोले स्टेट तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्टेट को स्टेट मत बोलिएगा, यूटी विथ लेजिस्लेचर को भी स्टेट बोलना है। तो 28 प्लस 3 31 स्टेट। उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 नहीं है। बेसिकली ये जो स्टेट का है ना, यहां पे आप नाम रिप्लेस कर दीजिए। जैसे अगर यूपी है, यूपी का जीएसटी एक्ट है, तो उसका नाम है यूपी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। बिहार का जो स्टेट एक्ट है, उसका नाम है बिहार गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। आई बात समझ में? तो ये अलग अलग एक्ट है, स्टेट का नाम आगे लिखा हुआ है, प्रीफिक्स में स्टेट का नाम है, फिर आगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो एक सीजीएसटी एक्ट है, 31 स्टेट का अलग अलग अपना अपना एसजीएसटी एक्ट है, ठीक है, जहां पे स्टेट के नाम से शुरू होगा वो एक्ट।
देन पांच यूनियन टेरिटरी, जो हमारी पांच यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेशन, इनका अपना एक एक्ट है जिसका नाम है द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये एक है, ये एक कानून है पांचों यूटी के लिए। राइट, इंटर स्टेट ट्रेड पे पता है क्या लगता है? आईजीएसटी। इंटर स्टेट ट्रेड पे आईजीएसटी लगता है, तो एक कानून वो भी है द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, एक ये रहा कानून, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, एक कानून ये हो गया। और फिर अब ये है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, एक कानून ये भी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, एक ये भी कानून है। अब ये कानून क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट? गवर्नमेंट ने जीएसटी, तो देखिए जो विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं, विद इन स्टेट जो सप्लाईज है उनपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई होगी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो उस पर लगेगा आईजीएसटी, विद इन स्टेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एंड आउटसाइड स्टेट इट वुड बी आईजीएसटी। लेकिन इन सभी के साथ मैं लिख के बात करता हूं आपसे, विद इन स्टेट अगर ट्रांजेक्शन होगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। जैसे अगर यूपी में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यूपी का सप्लायर यूपी का ही रेसिपेंट, दोनों यूपी के हैं। लेकिन अगर यूपी का सप्लायर और बिहार का रेसिपेंट है, यानी इंटर स्टेट अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस पर लगता है आईजीएसटी। लेकिन अगर यह सप्लाई सिन गुड्स की है या फिर लग्जरी गुड्स की है तो इन दोनों टैक्सेस के साथ एक टैक्स और जुड़ जाएगा, मतलब यहां पे भी जुड़ जाएगा यहां पे भी, चाहे वो विद इन स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो। अगर सप्लाई सिन गुड्स की या लग्जरी गुड्स की है तो साथ में जुड़ जाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस। व्हाट इज सिन गुड्स? सिन गुड्स का मतलब डीमेरिट गुड्स, वो गुड्स जो कि आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए लेकिन आप कंज्यूम करते हैं, पता है क्यों? सरकार की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। सिन गुड्स क्या होता है? जैसे सिगरेट, ठीक है, जरूरी है क्या? नहीं, ये तो बल्कि डीमेरिट गुड्स है ना, बेकार की गुड्स हैं ये सब, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पे क्या करती है? जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाती है, इस पे गवर्नमेंट सिन गुड्स पे कंपनसेशन सेस भी लगाती है और लग्जरी गुड्स भी लगाती है। लग्जरी गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि सिर्फ रईस लोग खरीदेंगे, लग्जरी कार वगैरह हो गई, उन सब पे गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन सेस लेती है। अब जब जीएसटी टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगता है, गुटखा पान मसाला ये सब जो आता है उस पे भी ये जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। गवर्नमेंट ने ये जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों लगाया? एक्चुअली जब जीएसटी का कानून लाने की बात हो रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट को तो ये बोल दिया गया चलिए हम लोग डुअल जीएसटी ला रहे हैं, आधी रेवेन्यू आपको भी मिलेगी, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट डर रही थी, कह रही थी मान लीजिए आप जीएसटी ला दिए हमको पैसा मिलेगा लेकिन जो अभी पैसा मिल रहा है अगर उससे कम हो गया तो। स्टेट गवर्नमेंट तो सीधे सीधे बोल रही थी ना हमको नहीं लाना होना है जीएसटी, ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, जो चल रहा है चलने दो। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसे मिल रहे थे वैट और सीएसटी के, तो उनको डर लग रहा था कि कहीं जीएसटी से रेवेन्यू कम हो गई तो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से वादा किया, कहा हम गारंटी लेते हैं कि पांच साल तक तुम्हारी रेवेन्यू कम नहीं होने देंगे। किसने वादा किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा गारंटी है, जितना पैसा तुमको अभी आ रहा है उतना पैसा जीएसटी से मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो डिफरेंस जो होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। जैसे तुम्हारा 100 रुपया आना था पुराने टैक्स से लेकिन जीएसटी की वजह से 90 रुपया आया तो 10 रुपया भारत सरकार देगी। तब राज्य सरकार कहे अच्छा तब ठीक है चलो लगाओ जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है, भरपाई होगी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि इसकी भरपाई कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा हम जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएंगे, जितने डीमेरिट गुड्स हैं उस पे लगा देंगे और लग्जरी आइटम्स पे लगा देंगे, और इससे जो पैसा आएगा उसको रखेंगे संभाल के और साल के साल हिसाब करेंगे।
राज्य सरकार को अगर कलेक्शन पहले साल कम आई तो जितना कम आया उतना दे देंगे। आया समझ में? ये 5 साल की सिर्फ गारंटी है, 5 साल तक इससे जो पैसा कलेक्ट होगा उससे राज्य सरकार को डिफरेंस मिलेगा। अब 5 साल के अंत पे जितना पैसा बच जाएगा उसको बांट दिया जाएगा सभी राज्यों में। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बांटा जाएगा। अभी ऊपर ऊपर से बता रहे हैं ना, अभी कानून नहीं बता रहे आपको कुछ भी, ठीक है? बहुत लाइट तरीके से समझिए, बस मकसद समझिए कि ये क्या है। तो ये कुल मिला के इतने सारे कानून बनाए गए हैं, कितने हो गए टोटल कर लो, 131, 132 और ये 335, 35 कानून जीएसटी के। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको कितने कानून पढ़ने हैं, आप लोग कितने कानून पढ़ोगे, बोलो क्या लगता है? तो आप पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट, यानी एक ये पढ़ना है आपको। नौ, क्या हमें 31 एसजीएसटी एक्ट पढ़ना है? पढ़ना नहीं है, दूसरी चीज पढ़ने जैसा कुछ है भी नहीं। ये जो स्टेट जीएसटी एक्ट है ये सेंट्रल जीएसटी का कॉपी पेस्ट है, दिस इज कॉपी एंड पेस्ट। तो जो यहां लिखा है ना सेंट्रल जीएसटी एक्ट में, वही स्टेट जीएसटी एक्ट में लिखा है, उसी की कॉपी की गई है, पूरा पूरा सेम कॉपी पेस्ट, दिस नॉट रिक्वायर टू बी स्टडीड। यूटी जीएसटी में कुछ अलग नहीं है, जो सीजीएसटी में लिखा है उसी का कॉपी पेस्ट है यूटी जीएसटी में, यह भी नहीं पढ़ना। अच्छा, इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या यह पढ़ना है? हाँ, इंटर स्टेट ट्रेड के लिए एक अलग कानून है आईजीएसटी। तो जितनी बातें सीजीएसटी में नहीं लिखी, मतलब जितनी बातें इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड है वो हम लोग आईजीएसटी एक्ट से पढ़ेंगे, तो ये करना है। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2 पन्ने का कानून ही है, छोटा सा कानून है, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है? तो कुल मिला के पढ़ना कितना है? पढ़ना तो 3 ही कानून है, जिसमें से एक बहुत छोटा सा है, इसलिए 2 कानून पढ़ना है, राइट? इवन आईजीएसटी एक्ट में भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड बहुत थोड़ी सी बात है कवर करनी है। तो मेनली जो हमें पढ़ना है वो सब कुछ कहां से है? सीजीएसटी एक्ट से, ठीक है? अब इन कानून के थ्रू जो टैक्सेस लगता है उसका नाम क्या है? ये तो हम लोग ने कानून का नाम पढ़ लिया, नेम ऑफ द एक्ट। नाउ विल स्टडी व्हाट इज द नेम ऑफ द टैक्स व्हिच इज लेवीड थ्रू दिस एक्ट। इस कानून के जरिए जो टैक्स लगाया जाता है उसका नाम क्या है? सीजीएसटी एक्ट के थ्रू जो टैक्स लगाया जाता है उसका नाम है सीजीएसटी। सीजीएसटी एक्ट के थ्रू जो टैक्स लगाया जाता है उसका नाम है सीजीएसटी। जो स्टेट जीएसटी एक्ट के थ्रू, मतलब कि यूपी जीएसटी एक्ट, बिहार जीएसटी एक्ट, इसके थ्रू जो टैक्स लगाया जाता है उसका नाम है एसजीएसटी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्ट का नाम तो अलग अलग है, 31 स्टेट के एक्ट का नाम अलग अलग है। जैसे यूपी वाले स्टेट एक्ट का नाम है यूपी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, बिहार वाले का नाम है बिहार गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, दिल्ली यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है इसका नाम भी है दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। लेकिन इन सभी जगह पे जो टैक्सेस लगता है, उसका नाम एसजीएसटी है, उसका नाम एसजीएसटी है, ठीक है? 5 यूनियन टेरिटरी में जो जीएसटी लग रही है उसका नाम क्या है? यूटी जीएसटी। इंटर स्टेट रेट पे जो टैक्स लगेगा उसका नाम है आईजीएसटी। तो हर कानून के थ्रू जो टैक्सेस हैं उनका नाम पढ़ रहे हैं। और जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 के तहत जो टैक्स लगेगा उसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन सेस, राइट? जो किस पे लगता है? सेन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे लगता है, और रेट भी बहुत हाई होता है इन सबका, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है जिसको सिगरेट के धुएं उड़ाने हैं वो उड़ाएगा, थोड़ा सा टैक्स बढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसको लग्जरी कार खरीदनी है वो निश्चित है कि उसके पास पैसे हैं और वो अफोर्ड कर सकता है, तो ऑब्वियसली अगर उस पर टैक्सेस थोड़े बढ़ भी जाएंगे तो गवर्नमेंट को लगता है कि फर्क नहीं पड़ेगा,